भगवान, मैं ही मिली थी इतनी बदसूरत बनाने के लिए, मेरा कसूर क्या है? अरे मैं काली खुद से थोड़ी हुई हूँ, आपने गढ़ा है मुझे, माँ बाप ने जन्म दिया है, पढ़ी लिखी हूँ, कोई अवगुण भी नहीं है मुझ में, फिर ये सब क्यों? क्या हर लड़के को गोरी लड़की ही चाहिए शादी के लिए? मैं गरीब हूँ, मेरे माँ के पास पैसे नहीं हैं दहेज देने के लिए, तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? एक लड़की के लिए उसको कोई नकार दे, उसका रिश्ता टूट जाए, क्या बीतती है उस पे? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसी लड़की ही समझ सकती है, और कोई नहीं। क्या कमी है मुझ में? मैं घर संभाल सकती हूँ, पति का ख्याल रख सकती हूँ, अपने सास ससुर का अपने माँ बाप की तरह देखभाल कर सकती हूँ, खाना बनाना जानती हूँ, सिलाई कढ़ाई जानती हूँ, इज्जत समझती हूँ, मर्यादा समझती हूँ, लेकिन क्या फायदा? सब लोग मुझे इसीलिए रिजेक्ट करके चले जाते हैं, क्योंकि मैं काली हूँ, मेरी माँ के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है। अरे कहाँ से लाएगी वो? वो काम करके किसी तरीके से घर चलाती है, और छोटा भाई भी है जिसे पढ़ाना है। अब तो मैं भी टूट गई हूँ, माँ भी बिखर गई है। वाह रे समाज, वाह रे समाज के लोग, क्या जीने का हक सिर्फ उसी को है जिसके पास पैसे हैं? जिसके पास पैसे नहीं है वो जी नहीं सकते? अगर हमें जीने का हक ही नहीं है तो पैदा ही क्यों करते हो? जो लड़का सरकारी नौकरी करता है, भले ही वो कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, काला हो, लेकिन उसके शादी हो जाती है गोरी लड़की से। उस गोरी लड़की से कितने ही माँ बाप उसकी इच्छाएं पूछते हैं, वो लड़का उसे पसंद है या नहीं वो भी तो कुछ सोचती होगी, लेकिन उसकी पसंद से कोई लेना देना नहीं, बस पैसा कमाता है, सरकारी नौकरी करता है, करवा दी शादी। शायद मेरी किस्मत में डोली में बैठना ही नहीं लिखा है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, क्या बदला है जमाना? अभी भी तो वही सोच है, काले गोरे में फर्क। लोग कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, फिर इस लक्ष्मी के साथ ऐसा क्यों? कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसका भाग्य लिखा जाता है, तो मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं कभी किसी घर की लक्ष्मी नहीं बन पाऊं? मेरा नाम किरण है, लेकिन मेरी ही जिंदगी में अंधेरा है। खैर छोड़िए, आप क्या जवाब देंगे? मैं भी आपसे बात कर रही हूँ जो खुद एक पत्थर की मूरत है और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? जी किरण। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मेरा नाम प्रकाश है, मैं आपके पास के ही गांव में रहता हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पिताजी पुलिस कमिश्नर हैं। लोगों ने आपके इस रंग को देखा है, आपकी अच्छाई को नहीं, आप मुझे अच्छी लगी। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? 7 जन्मों तक आपका साथ दूंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप पे तरस खा के बोल रहा हूं, बल्कि सच में मुझे आपसे प्यार हो गया। कल मेरे मम्मी पापा शादी की तारीख तय करने आएंगे आपके घर। ये आपकी मम्मी है ना, आपको कोई एतराज तो नहीं?